संदेश खाली की घटना के बाद से पश्चिम बंगाल में सियासी हाहाकार मचा हुआ है। हालांकि तृणमूल कांग्रेस इसे बीजेपी की साजिश बता रही है। हमारे साथ तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लगातार तीसरी बार राज्यसभा के सांसद बनने जा रहे नदीम उल हक साहब हैं। नदीम साहब, ये जो घटना पूरी हुई है संदेश खाली की और जिस तरीके से बीजेपी हमलावर है, क्या कुछ कहना है आपका? देखिए, ये मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं। अगर महिला के बारे में इतना चिंतित होते हैं तो रिजर्वेशन बिल जिस तरह से लाया गया है इस तरह से नहीं आता। और जहाँ तक संदेश खाली की घटना है, वहाँ पर जिस औरत ने कंप्लेन कराया गया, जिसने कंप्लेन किया है, उसका वो बीजेपी की वर्कर है कर्नाटक की। वो यहाँ आकर करके बंगाल में आकर कंप्लेन करती है और सियासी एक कॉन्स्पिरेसी तो है ही है। उसको अरेस्ट भी किया गया और दूध का दूध पानी का पानी हो गया। अगर देखा जाए ममता बनर्जी को, जो औरतों के साथ, महिला के साथ हमेशा से रही हैं, आज के दिन में लक्ष्मी भंडार जो यूनिवर्सल इनकम स्कीम है वो महिला के लिए किया गया है, तो महिला का शोषण या महिला के साथ नाइंसाफी बंगाल में हो, ऐसा मुझे नहीं लगता। लेकिन जिस तरीके के आरोप लगाए, एक महिला पहले सामने आती है, उसके बाद तमाम दूसरी महिलाओं ने भी आरोप लगाए हैं, पुलिस भी जांच कर रही है, कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है, तो सिरे से तो नहीं नकारा जा सकता। मैं आपसे ये सहमत हूँ कि जांच तो चल रही है, लेकिन जो इल्ज़ाम लगाए गए हैं वो सब सही नहीं है, और ख़ास करके ये शोषण वाला जो इल्ज़ाम है एकदम सही नहीं है। मतलब आपका कहना है कि इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी की साजिश है, क्योंकि चुनाव सिर पर हैं? यकीनन, और ये एक नहीं, ये बहुत तरीके से हर दिन कुछ ना कुछ इस टाइप का करते हैं कि एक इनका एक आईटी सेल है जो इसको डर्टी ट्रिक्स डिपार्टमेंट बोलते हैं, वो रोज़ कुछ ना कुछ ये चेंज कर कर करके उसमें फ़ोटो में इसमें उसमें कर करके रोज़ ये सब लागू करते हैं और ये सब छोड़ते हैं बाज़ार में, लेकिन पब्लिक पर इसका कोई असर नहीं पड़ रहा है। लेकिन ये तो एक पॉलिटिकल इशू बनता जा रहा है, अकेले बंगाल में नहीं बल्कि पूरे देश की पॉलिटिक्स में, तो अगर आपके आरोपों को सही मान लिया जाए तो फिर इस हालात का सामना कैसे करेंगे आप लोग, क्योंकि चुनाव का नोटिफिकेशन अब कभी भी हो सकता है? चुनाव तो हम लोग तैयार हैं उसके लिए। चुनाव जब भी नोटिफिकेशन हो, हम लोग का पूरा तृणमूल कांग्रेस और बंगाल उसके लिए तैयार है। और आप जैसे मैंने कहा कि यहाँ से दूर से बैठे हुए लगता है कि बहुत बड़ा असर हो रहा है, ये हो रहा है, दिल्ली में असर होता होगा, लेकिन बंगाल के पॉलिटिक्स के अंदर वो पब्लिक समझ गई है, वो सही क्या बोलते हैं उसको, भाजपाई चश्मा पहन करके अगर देखिएगा तो आपको बहुत कुछ नज़र आएगा, लेकिन खोल के देखिएगा तो वहाँ पर जो ग्राउंड में जा रहे हैं उनकी जो रिपोर्ट मिली, हमारे जो लोग जा रहे हैं उनकी जो रिपोर्ट मिली, वो ऐसा कुछ उतना कोई ख़ास नहीं है। चुनाव को लेकर क्या तैयारियां हैं? आप लोग अकेले लड़ेंगे या कि इंडिया गठबंधन में ही रहेंगे, गठबंधन के साथ ही लड़ेंगे? अभी पत्ते नहीं खोल रहे तृणमूल कांग्रेस के। देखिए, ममता बनर्जी ने हमेशा कहा है जो पार्टी जहां पर सबसे मजबूत है उसको उस जगह में वो फैसला करेगी। यहां पर अभी बातचीत चल रही है कांग्रेस के साथ और जो भी उसका नतीजा होगा आपके सामने आएगा, लेकिन अभी फाइनल कुछ नहीं हुआ। तब अभी गठबंधन रहेगा या नहीं, अभी ये तय नहीं है? कांग्रेस के साथ जो बातचीत हुई उसका कोई अभी फाइनल नहीं हुआ है, बातचीत चल रही है। जब एक तरफ या दूसरी तरफ फाइनल हो जाएगा तभी मैं कह सकता हूँ कि तय है कि नहीं तय। अच्छा, जो इंडिया गठबंधन के रीजनल पार्टीज़ हैं, उनके जो वर्कर्स हैं, उनकी बड़ी इच्छा है अपने अपने नेता को लोग प्राइम मिनिस्टर के तौर पर प्रोजेक्ट कर रहे हैं, क्या टीएमसी के जो वर्कर्स हैं, बंगाल के जो वर्कर्स हैं, वो भी चाहते हैं कि ममता जी को एज अ प्राइम मिनिस्टर फेस लॉन्च किया जाए, प्रेजेंट किया जाए चुनाव में? देखिए, वर्कर तो चाहते ही हैं, चाहे वर्कर हो चाहे हम लोग जो टीएमसी में हैं, हम लोग तो चाहेंगे, लेकिन खुद दीदी का इसमें जो ये है कि जब चुनाव हो जाएंगे फिर उसके बाद ही कौन प्राइम मिनिस्टर या कौन ये होगा उस वक्त डिसाइड होगा, पहले से अभी कोई डिसीजन इस पर नहीं लिया जाएगा। लेकिन आप लोग चाहते हैं, आप लोगों का ये मान, यकीनन हम लोग सब चाहते हैं कि दीदी अच्छे पोजीशन में हो जब चुनाव हो, और अगर वैसा उस वक्त क्या बोलिए समीकरण बने कि एक प्राइम मिनिस्टर का, तो यकीनन हम लोग दीदी के लिए ही सपोर्ट में रहेंगे। अगर ममता बनर्जी को पीएम फेस के तौर पर प्रेजेंट किया जाता है अपोजिशन की तरफ से, तो देश की पॉलिटिक्स पर उसका किस तरीके का असर पड़ेगा? आपको क्यों लगता है कि विपक्ष फिर बहुत मजबूत हो सकता है? क्योंकि देखिए, डे वन से
दीदी ही वो चेहरा है, ममता बनर्जी का ही वो चेहरा है जो मोदी के सामने खड़ा है। उनकी ऑनेस्टी, उनका जो काम करने का तरीका, उनका जो पब्लिक के लिए जो हमदर्दी है, उनका प्रो पीपल पॉलिसी जिसको बोलते हैं, वो उसका कोई सानी नहीं है, उसका कोई मुकाबला नहीं है। और अगर वैसा ही हुआ जैसे आप कह रहे हैं कि वो हाँ उसको क्या बोलते हैं, उसको जॉइंट फेस बन करके आए सबका, तो मुझे सबसे ज़्यादा खुशी होगी। तो क्या देखते हैं आप ममता बनर्जी के अंदर, ऐसा कौन सा पॉलिटिकल मटेरियल है जो दूसरों के अंदर नहीं है और लगता है कि अगर उनको पीएम फेस के तौर पर प्रेजेंट किया जाएगा तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा? सबसे बड़ी बात है जो कि लोगों के तई हमदर्दी, लोगों को मतलब वो वाकई पब्लिक का भला चाहती है। और आप अगर बंगाल में आएँ तो मैं आपको ले जाऊँगा दो चार जगह जहाँ पब्लिक को उनकी पॉलिसी से बहुत फ़ायदा हुआ है, चाहे कन्याश्री बोलिए जिसके लिए यूएन का यूनाइटेड नेशंस का अवार्ड भी मिला है, या अभी जैसे कर्मश्री, बंगाल के काफ़ी पैसा सेंटर ने, केंद्र ने रोक के रखा है, चाहे मनरेगा में हो, चाहे पैडी प्रोक्यूरमेंट में हो, चाहे अलग अलग स्कीम में हो, 1,00,000 करोड़ के ऊपर पैसा रोक के रखा है। इसके बावजूद अभी दीदी ने सिद्धांत लिया कि 1 मार्च से जो जो पैसा जिसका जिसका रुका हुआ है वो बंगाल गवर्नमेंट खुद अपने कॉफर से देगी, जहाँ हालांकि इसको सेंटर के कॉफर से आना चाहिए। लेकिन आप पार्लियामेंट मेंबर हैं, पार्टी वर्कर हैं, आप पार्टी लीडर हैं, आप चाहेंगे कि ममता बनर्जी पीएम फेस के तौर पर प्रेजेंट किया जाए, लेकिन उनकी जो पहचान है वो फिलहाल बंगाल में है, पूरे देश में वो अपील करेगी? क्यों नहीं अपील करेगी? देखिए जब आज वो थर्ड टर्म सीएम है और वाहिद महिला सीएम है पूरे हिंदुस्तान में, यकीन अपील करेगी। और जो महिला जो बंगाल में आता है, देखिए बंगाल के बाहर से जो यहाँ से देखता है वो दूसरे ऐनक से देखता है, और जो बंगाल में जा करके जो वहाँ देखेगा, जो काम देखेगा, जो उसका रिजल्ट देखेगा, उसके तो जो धारणा थी वो तो बदलने है ही। आप तो बहुत सीनियर लीडर हैं, क्या अपोजिशंस के जो दूसरे लीडर्स हैं, दूसरी पार्टीज़ के, एलाइज के जो है, क्या उनको आप ये बात सजेस्ट करेंगे कि ममता जी को पीएम फेस के तौर पर आगे करिए, फ़ायदा होगा? मैं अभी कुछ सजेशन करने के लायक नहीं हूँ, लेकिन हाँ ये है ज़रूर कि जैसे समीकरण बनता है, मुझे जैसे मैंने कहा, अगर वो उस अव्वल चेहरा बन करके आगे बढ़ती हैं तो मुझे सबसे ज़्यादा खुशी होगी। तो बिल्कुल नदीमुल हक साहब की दलील है कि ममता बनर्जी जुझारू महिला हैं और केंद्र सरकार के खिलाफ वो डट कर लड़ रही हैं, अगर उन्हें प्राइम मिनिस्टर फेस के तौर पर पेश किया जाता है तो निश्चित तौर पर विपक्ष को इसका फ़ायदा होगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।